अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची का ये शहर जहाँ पे आज हम बैठे यहाँ से शो कर रहे हैं, और बता हमें ये महसूस हो रहा है कि हर तरफ बहुत प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, खुशहाली है, और जितने शादियाँ ने यहाँ पे मोहब्बतों के बजाए जा रहे हैं शायद इससे पहले कभी ना बजे हों, क्योंकि आज सिंध में एक मोहब्बत सिंध रैली का इनेकाद हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि इस मोहब्बत का सिला हमें ये मिलता है, या मोहब्बत की रैलियों में अगर हमें ये हालात देखने को मिलते हैं, तो हम शायद दुआ करने पे मजबूर हो जाएं कि नफ़रतें पैदा हो जाएं इस मुल्क में। मुख्तसर से मैं बात करूँगी, मुख्तसर सा आपसे, जो अब तक का हमारे सामने जो हंगामे हुए हैं, जो हालात ख़राब हुए हैं, जिनमें लोग जाँ भाग हुए हैं, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इसका जो हमारे पास फिगर सामने आया, वो मैं मुख्तसर सा आपसे शेयर कर लूँ। सिंध मोहब्बत रैली ने कराची में किस तरह से आग लगाई। एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में सोचें, 11 अफराद जहां बहक हो गए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे, 30 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल है। हलाकतों की वजह जो बताई गई है कि लियारी और मुल्का इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। लियारी में कितना असला है, किस तरह पहुंचा है, लंबी कहानी है। केमिकल मार्केट में 6 दुकानें, शहर में अब तक 17 गाड़ियां और 10 से ज्यादा मोटरसाइकिल को अब तक नजरे आतिश कर दिया गया है। हम इसका जो कहा जाता है ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, इसका जवाब हम किससे लें, मुझे ये पता है, मुझे ये 101% आई एम डैम श्योर कि हम किसी से भी बात करें, किसी से भी जाने, कहीं भी जिम्मेदारी देने को कबूल करें, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। पिछले सानहे पे आज तक हम रोते हैं, जी 12 मई हो गया था, जी 6 अप्रैल हो गया था, लेकिन क्या इन सानहात से हम कोई वाकयात से कोई हम सबक हासिल करते हैं? ये सानहात हम दिन ब दिन, रोज बरोज दोहरा रहे हैं, दोहराते रहेंगे, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज जो हमें पैनल पर गेस्ट है ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मैं आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ ANP के बशीर जान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच बशीर जान साहब। शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध फॉर्मर। शेख रोहिल असगर साहब MNA PMLN मुस्लिम लीग नू। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहिल असगर साहब। अख्तर गोशानी साहब जो कि एडिशनल IG सिंध है, कराची हैं, सिंध हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ वो CPO कराची भी। अस्सलाम वालेकुम अख्तर गोशानी साहब। अस्सलामुअलैकुम अख्तर गुरचानी साहब। जी अस्सलामुअलैकुम गुरचानी साहब, अभी कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे मेरी बातचीत हुई थी कराची के अमन अमान के हवाले से। आपने कहा हमारी मीटिंग चल रही है, लियारी ऑपरेशन पे भी आपने कहा कि इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। मतलब जब आपसे मुलाकात के बाद हम वापस आए तो बड़ा इत्मीनान था कि हमारी पुलिस इन एक्शन है, कुछ ना कुछ करेगी, ये किया? नादिया देखें, एक तो आई रिक्वेस्ट यू टू बी ब्रीफ, क्योंकि अभी IG के पास मैं जा रहा था, अभी उनकी कॉल आई थी। तो दूसरा ये था कि आप देखें ना, ये जो हालात जब खराब होते हैं तो इंतजामिया और पुलिस को तो हर कोई मतून ठहराता है, पर ये भी तो देखा जाए ना कि हमारी जो क्यादतें हैं, जो मोहब्बतें बांटने के नाम पे जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के रैली निकाल लेता है, जिसकी ना कोई इजाजत होती ना परमिशन होती है, उसके बावजूद भी कोशिश होती है कि उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। आपने देखा आज के भी इसमें इनके फ्रंट पे भी हमने डिस्पाइट ये द फैक्ट के इनकी परमिशन नहीं थी, फिर भी किसी नाखुशगवार वाक्य से बचाने के लिए पुलिस आगे पीछे जुलूस के लगाई हुई थी। गुरचानी साहब, मैं क्या, मैं किस शहर में रह रही हूँ, मैं किस शहर करे बगैर इजाजत, नहीं बगैर इजाजत, एक कलदम, एक कलदम तंजीम जो कि रैली निकाल रही है, एक कलदम तंजीम को जो लोग फेवर कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपसे इजाजत नहीं लेंगे। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, आप किस तरह से उस रैली को इजाजत दे सकते हैं जो की कलदम तंजीम की बात नहीं थी, इसमें सारी तंजीमें जो थी वो दूसरी थी, ये अवामी तहरीक है, वो कलदम नहीं है। अगर इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग थे तो वो नहीं है, इसमें अगर ANP के लोग थे तो वो कलदम नहीं है, कलदम तहरीक का तो मामला ही खत्म हो गया। अच्छा चले ठीक है, बीच में दूसरे लीडर। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि आपसे इजाजत नहीं ली गई थी, ऐसे ही है, जो जो कलदम नहीं है उन्होंने भी आपसे इजाजत नहीं ली थी? जी जो कलदम नहीं है उन्होंने भी इजाजत नहीं ली। ठीक है, तो आपने फिर इस पर एक्शन क्या लिया, कितने लोग गिरफ्तार किया आपने इस बात पर, इन इन पार्टी से जो कि कलदम नहीं है और आपके बगैर इजाजत के, इंतजामी के बगैर इजाजत के उन्होंने रैली निकाली? देखिए ये यहाँ पे इस वक्त हमारे पेश नजर ये था कि हालात किसी तरफ से खराब ना हो, इस वजह से हमने इनको प्रोटेक्शन इसलिए आगे पीछे लगा दी थी, वरना तो आप देखें अगर इस तरह तो मजीद
अगर हम तसादम की राह अख्तियार करते तो शायद इससे भी ज्यादा हालात खराब। माजर के साथ गुरचानी साहब, आपको नहीं लगता कि ये आप जो अमन और फहमत की बात, चूंकि आईजी को भी ज्वाइन करना है, वो काफी देर से बैठे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह करे गुरचानी साहब कि आप आईजी साहब से बात करें और आप लोग वाकई कुछ एक्शन लें, क्योंकि जिस तरह से हमने कराची में जब लियारी और जिस तरह से इंतहाई शर्मनाक शिकस्त हमने सिंध पुलिस की देखी और उसके बाद आज का वाकया, मतलब हमें बशीर जान साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूँ, हमें ये कहा जा रहा है कि जी ये जमातें कलदम नहीं है, इन्होंने रैली निकाली, इन्होंने पूछा भी नहीं, तो बजाय इसके कि बगैर इजाजत रैली निकालने पे कोई एक्शन लिया जाता आपकी हुकूमत की जानिब से, पुलिस उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये काम रह गया पुलिस का, आप सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए। देखिए नादिया, कुछ जराइम या कुछ वायलेशन ऐसे होते हैं कि उनकी सज़ा गोली नहीं होती। अगर किसी ने बगैर इजाज़त के रैली निकाली तो वो 44 के से मुखालपत के जुमरे में आते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं कि उनको गोली मार दी जाए। मैंने कब का गोली मार दी? मैं आपको समझा रहा हूँ। अब पुलिस का ये फर्ज बनता है कि ठीक है, बड़े जुर्म को ना होने दे, और उन्होंने कोई जुर्म ये हुआ लेकिन इस जुर्म की सजा गोली नहीं है, मारना नहीं है। मैंने कब का? दूसरा मैं आपको बताऊँ की इस मुल्क में तो कलदम तंजीमें दंदनाते फिर रही है। आपने 10-10 साल पहले, समझ में नहीं आता जिन तंजीमों को कलदम किया है वो आज भी गलती को या एक गलत को छुपाने को, आप अपनी इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए किसी गलत चीजों की एग्जांपल्स क्यों कोट करते हैं? हम कब तक ही कहते रहेंगे कि जी आज इसलिए मरे क्योंकि 12 मई पे भी तो मरे थे, आज इसलिए मर गए कि क्योंकि 6 अप्रैल को भी तो जिंदा जला दिया था। तो मतलब हम आने वाले सानिहात को पुराने वाले सानिहात से बेस बनाते हैं। हम सियासी लोग हैं और हम आपको ये, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर अब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए और अब भी अगर हमने इन हालात का मुकाबला संजीदगी से नहीं किया तो मजीद हलाकतों का, ये पिछले पिछले पांच साल से आप जैसी सियासी पार्टीज के मुंह से मैं ये बातें सुन रही हूँ कि अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो पता नहीं क्या होगा, और ये होता चला जा रहा है। मैं जरा शर्जील मेमन साहब से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शर्जील मेमन साहब। वालेकुम सलाम नादिया साहिबा। शर्जील मेमन साहब, मुझे आप कुछ बताएंगे कि क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, या आप भी कहेंगे कि जी दूसरी सियासी पार्टियां हैं, कोई तीसरा हाथ मुलव्वज़ था, किसी की हरकत थी, किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, कोई साजिश थी? देखें नादिया, मैं ये कहूँगा कि आज जो वाकया हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये नहायत ही अफसोसनाक, बुजदलाना, बेहिमाना तरीके से जो है नियत शहरियों पर गोलियाँ बरसाई गई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी अनासर इसके पीछे हैं उनको हुकूमत ज़रूर बेनकाब भी करेगी लेकिन कैफे किरदार तक पहुँचाएगी, क्योंकि ये अनासर मुल्क दोस्त नहीं हो सकते, ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क दोस्त जो है और जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हो, अपनी धरती से मोहब्बत करता हो, वो बेगुनाह शहरियों पे इस तरह गोलियां नहीं बरसाता, मुजम्मत लोगों को मारता नहीं है। मुजम्मत और अफसोस शर्जील मेमन साहब मेरे लिए रख दीजिए, मुझे बताएं आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या पहुंची है, ये कराची शहर में क्या हुआ और इसके जिम्मेदार कौन थे? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि अवामी तहरीक और कराची अलायंस, कोई सिंध अलायंस की तरफ से एक रैली थी जो कि शायद लियारी से निकली थी, तो और उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई थी, आगे पीछे उसकी पुलिस थी, लेकिन जो दहशतगर्द थे उन्होंने मुख्तलिफ मोर्चे पहले शायद बनाए हुए थे और सडनली जो है वो गलियों से निकले, उन्होंने उस रैली पे फायरिंग की है, जिसकी वजह से जो है वो बेगुनाह और बेकसूर लोग जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना, पुलिस प्रोटेक्शन थी और इसका मतलब है कि इंतजामिया ने उनको इजाजत दी हुई थी इस रैली की, इजाजत ली गई थी कोई? देखें बात, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी एहतजाजी रैलियां होती हैं ज़्यादातर उसूलन तो सबको इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिस है मुल्क में एहतजाजी रैलियों के लिए इजाज़तें नहीं ली जाती, उसूल नहीं है और ना? लोग जो है वो अपने हिसाब से जो है वो एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे होते हैं। इससे पहले भी कराची में काफी रैलियां इस तरह की निकली जिनके लिए इजाजतनामे नहीं लिए गए थे, तो शायद इसकी भी इजाजतनामा शायद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका अगर नादिया साहिबा अगर उसकी इजाजत नहीं ली गई थी तो इसका मकसद ये कतन नहीं है कि वहां पे जो बेगुनाह लोग हैं उनको जो है वो शिकार की तरह, तो शिकारी ना, जो है उनको मारा जाए। आप हुकूमत में हैं, आप जिम्मेदार हैं शर्जील मेमन साहब, मुझे बताएं कि उन बेगुनाह जानों को किसने मारा, किसने कत्ल किया, किसने फायरिंग की, कुछ खबर है आप लोगों को? देखें जी, अगर मुझे ये पता होता कि वो लोग कौन है तो अभी आपको वो कानून की गिरफ्त में नजर आते, लेकिन वजीर आला साहब ने सीरियसली नोटिस लिया है और उन्होंने पुलिस और रेंजर्स को हिदायत दी है कि चाहे वो कितने भी बाअसर अफराद क्यों ना हो, चाहे किसी की भी पुश्त पनाही क्यों ना हो, उन क्रिमिनल को, दरिंदों को, दहशतगर्दों को, उन मुल्क दुश्मन लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए
और उनको हुकुम को हुकूमत इंशाल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। अच्छा, ये जो वजीर आला साहब की हिदायत है, वजीर दाखिला भी हैं वो, उनके पास इसका भी इजाफी चार्ज है। ये हिदायत तो हमने लियारी ऑपरेशन में भी देखी थी कि जी क्रिमिनल्स को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, इनको जरूर पकड़ा जाएगा। इस पर तो हेड मिनी अनाउंस हो गए थे, फिर क्या हुआ 8 दिन बाद? देखें, लियारी का जो ऑपरेशन था वो एक जुराम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन था। आज का जो वाकया है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्करों को जो है एक साजिश के तहत उन पे गोलियां बरसाई गई हैं। अच्छा। और मैं आपको जिस तरह पहले अर्ज कर रहा हूँ कि साजिश करार दे दिया, चैलेंजेस हैं नादिया साहिबा, हमारे मुल्क में काफी चैलेंजेस इस वक्त हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त वो काफी चैलेंजेस को दरपेश है, चाहे वो नेटो के मसाइल हों, चाहे ड्रोन अटैक्स हो, तो हमें बैरूनी साजिशों का भी सब मुकाबला है। अच्छा। इस पोजीशन पे जो लोग बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए या उनके एजेंडा पर अपने मासूम शहरियों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को जो गोलियां बरसा रहे हैं, वो ना ही इंसान है, ना ही मुसलमान है, ना पाकिस्तानी है, इंसान है ना मुसलमान है, वो दहशत गर्द है, वो तो इंतहाई शर्मनाक फेल कर रहे हैं। मगर क्या जंगल का राज है, कोई कानून है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई उनको कंट्रोल करने वाला है? आप किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, बशीर जान साहब किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, अयास पली जो कि अवामी तहरीक के बताया जा रहा है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, खुल्लम खुल्ला उन्होंने इल्जाम लगाए। क्या कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने कराची प्रेस क्लब में की, वो हम आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर देंगे कि कितने मुत्तफिक हैं इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और मैं यहाँ पर, बल्कि मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगी इस हवाले से, पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। उस सिंध के लोग अपने दारुल हुकूमत के रास्ते में जब पैदल चलना शुरू हुए तो ली मार्केट की गलियों से सिंध हुकूमत की इत्तेहादी एक तंजीम के निकाबपोश दहशतगर्दों ने सीधा निशाना लेके गोलियां चलाई। हमारी बहनों को भूना गया है, यह सिंधियों को सिला, उस 17 साल नौजवान रसूल बख्श पलीजो को यह सिला मिला है जो देगे पकाकर और जीएम सैयद साहब के कौम को और हैदर बख्श जतोई की कौम को और जुल्फकार अली भुट्टो की कौम को और अब्दुल्ला हारून की कौम को और शेख अब्दुल मजीद सिंधी की कौम को और गुलाम अहमद भुरगड़ी की कौम को यह हिस्सा मिला है। नाज़रीन, ये आपने देखा जो आज अवामी तहरीक की जानिब से जो रैली निकाली गई थी, इनके हाथों में कलदम पीपल्स अमन कमेटी के जो सरबरा हैं, जो सरदार हैं उज़ैर बलोच, उनकी तस्वीर थी, मुस्लिम लीग नून शाना बशाना इनके साथ थी। ऐलान एएनपी ने भी इसका यकीनन किया था कि इसकी हिमायत की जाएगी, लेकिन अभी बशीर जान साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि लास्ट मोमेंट पर हमने इनको मना किया था कि ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है। शर्जील मेमन साहब को नहीं पता, एक साजिश करार दे रहे हैं, बशीर जान साहब को भी नहीं पता कि ये लोग कौन है, लेकिन साफ इल्ज़ाम लगाते दिखाई दे रहे हैं हमें सख्त अयास पलीचो साहब। और इसके बाद ये बात अब वाजे हो चुकी है कि पिछले कुछ दिनों जो हम एक रैली देख रहे थे और जो हम महाज सुबह तहरीक के हवाले से कुछ नारे देख रहे थे, कुछ लोगों को देख रहे थे कि वो अब सामने आने शुरू हो गए थे, ये उनका एक मुंह तोड़ जवाब हमारे सामने आया है। इस पर ये वाकई ये जवाब था, उसके जवाब में थी जो महाज सुबह तहरीक की बात की जा रही थी या नहीं थी? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और जब भी आप कुछ ही लम्हों काबिल जो क्लिप्स देख रहे थे वो कराची शहर के क्लिप्स हैं, फाइनेंशियल हब, मेट्रोपॉलिटन, ना ही अफगानिस्तान के मनाजिर थे, ना ही कश्मीर के मनाजिर थे, ना ही ये फ़लस्तीन के मनाजिर थे, ये कराची शहर के मनाजिर थे जो कुछ घंटों में कराची शहर जल गया। शेख रोहेल असगर साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रा मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहेल असगर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रोहेल असगर साहब, ये बताएं कि कराची की जमातें कम पड़ गई थी कराची का अमन तबाह करने में कि मुस्लिम लीग नून भी शाना बशाना इनके साथ खड़ी हो गई? नहीं, मैं इस चीज़ को समझ नहीं सका। शजीर मेमन की गुफ्तगू थी, उसमें भी उन्होंने कंडेम किया, बशीर जान साहब ने भी कंडेम किया, आप भी कंडेम करेंगे? एक मैं मेरी जरा अर्ज सुन लीजिएगा, शायद हो सकता है मैं को गलत कह जाऊँ। मैं तो इस बात पे कहता हूँ कि जो मैं ये देख रहा हूँ, जो आज अभी अपना शर्जील मेमन साहब की जमात ये मुअज्जज़ रुकन है, वो ये बात कह रही हैं कि जनाब फलानी मोहतरमा वारी मेमन क्यों उस रैली में गई, या इसको ये हालात को ख़राब करने में मुस्लिम लीग नून का हाथ है।
मैंने अभी आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल कर रहा था कि क्या ये रैली जो निकाली गई ये पाकिस्तान के लिए निकाली गई, ये सिंध की मोहब्बत में निकाली गई कि हम सिंध को नहीं तोड़ना चाहते, हम सिंध को इकट्ठा रखना चाहते हैं, तो फिर इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि ये तो श्रीहन जो गवर्नमेंट है उसकी एक लैक है, उसके मतलब वो लॉ ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तो उसके खिलाफ निकाली जाती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई सिंध के खिलाफ निकाल रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहा है, वेद तो समझ आती है कि कोई ऐसे लोग जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या सिंध से बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून की एकदम से इतनी मोहब्बत है सिंध के साथ शुरू हो गई है जब से मारवी मेमन साहबा ने आपको ज्वाइन किया है, मुमताज भुट्टो साहब ने आपको ज्वाइन किया है। नहीं, आप लोग तो अब नहीं, पहले शहबाज शरीफ कहते थे पंजाब के हिस्से करने हैं, सूबे बनाने, तो जाए जी पहले कराची में सूबा बनाए। अब नवाज शरीफ सिंध में आते हैं, कहते हैं पंजाब के जितने सारे सूबे बना दें, सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। देखिए बात यह है कि दो चीजें बिल्कुल फर्क है। मैं अगर यहाँ पे बैठ के एक कोई पैगाम देता हूँ या कोई बात करता हूँ तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में भी कर सकता हूँ, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक जरूर है लेकिन मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरबरा नहीं हूँ। आप उस बात को मानेंगी, उस बात को ऑथेंटिक समझेंगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरबरा करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा ने कहा कि जितनी मोहब्बत मुझे बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से है, जितनी मुझे बलोचिस्तान से है, उतनी मुझे सिंध से है, पंजाब से भी वही है, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, तो ये बताएं पाकिस्तान के हिस्से हैं। शर्जील मेमन साहब आपसे अब सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि जब, अच्छा ठीक है रोहन साहब वापस आती हैं, शर्जील मेमन साहब ये बताएं, अब जो सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब सिंध से मोहब्बत के लिए रैली निकाली जा रही थी, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए रैली निकाली जा रही थी, तो फिर ये कौन अनासिर है जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं या सिंध से नफरत कर रहे थे? देखिए मैंने अब कहा, आपने शायद मेरी बात समझी नहीं कि मुल्क में इस वक्त वैसे काफ़ी चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के मौजूदगी में इस तरह के इश्यूज को उठाना और इस तरह के वाकयात करना ये कोई मुल्क दोस्त नहीं कर सकता, ये इस वतन से मोहब्बत करने वाला नहीं कर सकता। जिसने इस मुल्क के लिए, जिसको मोहब्बत हो, जिसके दिल में इस मुल्क के लिए मोहब्बत हो, वही शख्स नहीं कर सकता। देखें आप या मैं बिल्ली भी नहीं मार सकते, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने बरसा बरसों से जो है ये खून की होलियां खेली हुई हैं। मासूम लोगों को जान से मारना ये कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई शख्स कर सकता है? नहीं कर सकता। ये पहले तो एक सेकंड सुने, मैं जरा बशीर जान से बात करूंगी, पहले तो मुझे और अपने आप को आप अलग कर दीजिए क्योंकि मैं एक सहाफी हूँ, आप एक सियासतदान हैं। हमारे मुल्क में सियासत किस तरह से होती है, हमने वो सियासी लीडर्स भी अपने पाकिस्तान में और अपने कराची में देखे, हमारे मुल्क में सियासत कभी भी जो गोलियों से नहीं होती। रियली तो फिर 3 लाख कुछ लोग अगर ये करने की कोशिश करें अलग बात है, हमारे मुल्क में 3 लाख पाकिस्तान के किसी भी कल्चर में पॉलिटिक्स में क्राइम का कहीं भी आंसर शामिल नहीं है। 3 लाख असले के लाइसेंस देके ये कहा जाता है कि मैंने शादियों में ये चलाने के लिए नहीं दिए थे, ये सियासत होती है ना कराची और सिंध में? नादिया साहब मैं आपको जवाब दूं, असले का लाइसेंस लेना जो है वो हर शहरी का कानूनी हक है। और एक बात ये कि ये इस दौर में नहीं आए, और फिर वजीर दाखला का ये कानूनी हक है कि वो ये बताए कि जी मैंने तो आपको लाइसेंस दिए ना, ये शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए, ये भी बताना वजीर दाखला का फर्ज है। उनका जवाब आप उनसे लें। अच्छा, मेरी बात सुन दिया, उनका जवाब आप उनसे लें। शर्जील मेमन साहब एक सेकंड रुक जाएगा, नहीं उनका जवाब आप उनसे लें, ले लूंगी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, अब उनकी डील हो चुकी है, क्या हो चुका है मुझे नहीं पता, रुक जाइएगा जरा एक सेकंड इससे पहले कि मैं बशीर जान साहब से बात करूँ, क्योंकि इस रैली की हिमायत इन लोगों ने भी की थी, क्या इनके पास ऐसी खबर आ गई थी कि ये लोग पीछे हट गए थे? जलील साहब हमारे साथ एमक्यूएम से मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम वासे जलील साहब। वालेकुम अस्सलाम वासे जलील साहब, हम मसला यहाँ पर यह है कि जितनी सियासी पार्टी से हम बात करते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कहते हैं जी हमने तो ये कह दिया था ये फिर भी हो गया, जी मोहब्बत तो हम करते हैं लेकिन पता नहीं किसने कर दिया, जो हुकूमत के लोग हैं पीपल्स पार्टी के अपने लोग हैं वो कहते हैं जी ये साजिश है, ये क्या है कराची में, मतलब खुदा के लिए कराची को कोई तो बख्श दे। देखें नादिया, इससे पहले मैं अपनी बात का आगाज करूँ, सबसे पहले तो मैं आज की इस सूरत हाल पर मुत्तहिद कौमी मूवमेंट की जानब से और कायदे अल्ताफ भाई की जानब से भरपूर मजम्मत करने के साथ साथ जो लोग जाँबाक हुए हैं उनसे दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं, जो जख्मी हैं उनको अल्लाह ताला जल्द जल्द सेहतियाबी अता फरमाएं। देखें आज की जो सूरत हाल है एक पर्पजली जो है वो सूरत हाल जो है वो खराब की गई है कराची के अंदर, कराची के अंदर जो है क्या कहते हैं अपना रैली की आड़ में जिस तरह आज जो गोलियां बरसाई गई हैं वो सबके सामने हैं और मीडिया इस बात का गवाह है। हम ये समझते हैं कि इसमें कहीं अगर सुलह है तो जहां अगर आज रैली की इजाजत दी गई थी तो उसके मरबूत इंतजाम होने चाहिए थे। इजाजत नहीं दी गई थी वासे जली साहब, गुरचानी साहब कहते हैं ना हमसे किसी ने इजाजत ली ना हमने इजाजत दी लेकिन हमने पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया। देखिये फिर अगर गुरचानी साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये फेल्यूर है उनका,
कि अगर इस तरह की सूरतयाल अगर रोनमा हो रही थी तो उनको पेशबंदी करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई अनन फानन आके जमा हो गए और वो जो करके चले गए, डिप्लॉयमेंट हुई होगी, लोग आए होंगे और जमा हुए होंगे और फिर उन्होंने तकारीर की, तो अगर वो डिप्लॉयमेंट होती प्रॉपर वे में तो इस तरह शहरियों पर जो है वो बेदरेख गोलियां नहीं बरसाई जाती, उनकी इमलाक को जो है वो नजर आतिश नहीं किया जाता, उनकी गाड़ियों को या उनके बिजनेस को जो है वो टॉर्च नहीं किया जाता। इस तरह की सूरत हाल गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत सिंध को बताते चले आए हैं कि कराची में चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं, ड्रग माफिया लैंड माफिया के लोग हैं। और गुज़िश्ता 3 हफ्ते पहले जो कि मीडिया ने अपनी आंखों से सबके सामने देखा है कि एक लियारी के चंद गलियों के अंदर चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा अफराद मौजूद थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इन तीनों अफराद को अगर आज से 3 साल पहले एप्रीहेंड कर लिया जाता, जो कि हम बार बार मुतला करते आए हैं, तो आज कराची की कब जलील साहब रॉकेट साइंस हरगिज नहीं थी, लेकिन रॉकेट जरूर थे, ये सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, हमने रिपोर्ट किया, आपको भी पता है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग इसी सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आज जो बात हुई है अयाज पलीचो साहब की जानिब से, वो इसको जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली एमकेएम को भी ठहरा रहे हैं, उर्दू बोलने वालों को ठहरा रहे हैं, मतलब फिर हम एक एथनिक पॉलिटिक्स में और इसमें हम क्या एंटर होने जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी हम सिंध की डिवीज़न, अब मुस्लिम लीग नून कहती है हम डिवीज़न सिंध की नहीं होने देंगे, तो ये क्या आपको लगता है जो माजे तहरीक के कहीं कोने कुदरे से पता नहीं कहाँ से जो नारे लग रहे हैं ये उनके खिलाफ थी आज की रैली? देखें, जिनका आपने नाम लिया, मैं तो समझता हूँ मेरी पार्टी की भी बिलो डिग्निटी है कि मतलब मैं उनका नाम लूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि इन जैसे लोगों ने हमेशा प्रोवोकिंग स्टेटमेंट से जो है वो सिंध को हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलाया है। पीपल्स पार्टी भी हमारी कोलिशन पार्टनर है, मगर इन चीज़ों को हम बार बार इन्फॉर्म करते चले आए कि इन जैसे लोगों ने हमेशा सूबे को नुकसान पहुँचाया है, और मीडिया गवाह है के इन बातों को एप्रीहेंड होना चाहिए कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बिलखसूस जिस तरह मीडिया पर आके इन जैसे नाम निहाद लोगों ने जिनकी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्होंने आके लोगों में इश्तियार और लोगों को मुश्तैल करने की भरपूर मजमून कोशिश की है, उनको एप्रीहेंड किया जाए। आज के वाक्य में भी जो सूरत हाल हुई है, कोई 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 पसे पर्दा लोग नहीं है, वो तमाम लोग जो रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे वही लोग आज की। आप ये कह रहे हैं कि जो लियारी के जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो इसका जिम्मेदार है? नादिया, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी इनपुट देना चाहता हूँ। वो तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं लोगों ने ये तमाम तर सूरतहाल की, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। बहुत शुक्रिया, पर ये रैली भी मुनक्द हो रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वासे चली साहब हमें ज्वाइन करने का। जी शेख रोहिल असगर साहब जी, मैं नादिया इसमें एक अर्ज करूँ, बार बार आप भी जिक्र करती हैं, बाकी लोग भी जिक्र करते हैं तैयारी का, कैसे मुमकिन है? मैं नहीं समझ सकता इस बात को, ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। शर्जील यहाँ बैठे हुए हैं, शर्जील से पूछ लीजिए, कोई गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते? आज वो जमाना नहीं है कि आप छुपके कोई काम करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इतना असला भी आ जाए, इतने लोग गैर कानूनी काम भी करें, इतना बड़ा शहर भी है? आज मैं आपको यकीन कीजिए, मैं शर्म आ रही थी कि आपके बहुत सीनियर रिपोर्टर, बहुत सीनियर साफी हैं, नज़ीर लगारी, मैं उनकी खबर पढ़ रहा था, बड़े बाजार में सड़क के ऊपर, यानी कि आप शहर है फैसल के ऊपर, उनको रोक के उनसे मोबाइल छीन लिया गया। ये किस मतलब ये क्या हो गया? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? मेरी एक छोटी सी बात, आप लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है? जब आप लोग लियारी का हाल देखते हैं, लियारी का फेलियर ऑपरेशन देखते हैं, तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है? शर्जील से कहें, दिल पे हाथ रख के ये बात कहे कि शर्जील ये बात से इत्तफाक नहीं करता कि लियारी में पहले लोगों को पैट्रनाइज किया गया, लोगों को उस पर उकसाया गया, जुल्फकार चीख चीख के रह गया। एक सेकंड रुकिएगा शेख रोहिल असगर साहब, चीख चीख के रह गए। लियारी में लोगों को पैट्रनाइज किया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों को इस्तेमाल किया गया, लोगों को असला दिया गया, और फिर मैं वही उन लियारी वालों से आप हाथ मिला रहे हैं, उन लियारी वालों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आज मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे साथ आइए, शामिल हो जाइए। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अच्छा, एक सेकंड में वापस आती हूँ, एक सेकंड शेख साहब। नादिया, किसी भी गैर कानूनी काम करने वाले को हम अपने साथ नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स, जैसे बलूचिस्तान की सूरत हाल है, हम हमेशा ये कहते हैं कि बलूचिस्तान वालों से बैठ के आप उनकी बात तो सुन लें। मैं वापस आती हूं, आप लियारी आपका शहर है, आप उनसे बात तो सुन लेंगे। मैं सुनूंगी, मैंने जितनी मैंने सुनी है उसका भुगत रही हूँ। बशीर जान साहब, मुझे नादिया कैसे मुमकिन, कैसे है पूरा शहर लियारी बाहर निकल आता है? मैं भी बताती हूं, मजबूरन आपको वो बशीर जान साहब से बात कर लूं। बशीर जान साहब, आज की रैली की आप लोग भी हिमायत कर रहे थे। देखिए, हमें कल 5 बजे के बाद 6-7 बजे हमें इस रैली की दावत दी गई। रैली का जो नाम था
या रैली जिस मकसद के लिए थी, किस मकसद के लिए थी, सीन तोड़ने वालों के खिलाफ थी और हम उसकी हिमायत करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मुट्ठी बंद चंद मुट्ठी भर चंद अनासर हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि सीन तोड़ना है, अफसोस की बात है कि हम आपको नजर आते हैं। सारे के सारे मिल गए आज आपको और गोरचानी साहब को और पूरी प्रेस मीडिया को, तो नजर आ रहा था कि रैली में लियारी में जो है बगैर इजाजत की रैली निकली, लेकिन दो दिन पहले जो हजारों लाखों की तादाद में आर्ट्स काउंसिल पे लोग निकल आए थे, उन्होंने कौन सी इजाजत लिया था? लेकिन उन पे तो देखिए मेरी बात ना, उनके साथ दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है, जहां कोई ऐसा ब्लाइंड वाकया होता है तो देखा जाता है कि इसके बेनिफिशरी कौन है और या ये इसके दुश्मन कौन है। ये रैली उन लोगों के खिलाफ निकल रही थी जो सिंह को तोड़ना चाहते हैं और यकीनन इसके जवाबदार, इसके जवाबदार मतलब वो लोग हैं जिनको ये रैली बुरी लग रही थी, उन्होंने इस पे फायरिंग की है। अच्छा, इसमें कौन सी अच्छा, बात ठीक है, आपको ये लगता है कि जो माजे सुबह तहरीक के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने फायरिंग की है इस पे? देखिए जिम्मेदार कभी फायरिंग नहीं करते हैं, पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें, फायरिंग कराए जाते हैं या आपने लोगों से, तो वही ना उन्होंने ये रैली थी ये रैली सिंह तोड़ने वालों के खिलाफ थी जिन्होंने सिंह तोड़ने का मुतालबा किया था और हम यही समझते हैं। देखिए वो इतने बुजदिल है कि वो सामने नहीं आते, माजर सुबह तहरीक ना, माजर सुबह तहरीक, और जो सिंधी सिंधु द्वेष वाली बातें करते हैं वो भी गलत है, वो भी गलत, उनके भी खिलाफ थी, हम नहीं सिंधु खिलाफ थी, लेकिन गोलियां ये रैली सिंह तोड़ने वालों के खिलाफ, अरे तो भाई महाजर सुबह बनाने वालों के खिलाफ और सिंधु देश के खिलाफ नहीं थी, नहीं सिंधु देश के खिलाफ तो वैसे भी थी, हम सारे पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं हम उसके खिलाफ थी, कभी जो है ना हमने तो ये नहीं कहा सिंधु देश बात करने वालों के खिलाफ थी या नहीं थी। देखिए इसमें तो इस रैली में तो कोई ऐसा बैनर इसके जो हमें दावत दी गई थी या इस रैली में जो बात हुई थी वो महाजर सूबा बनाने वाले और सिंध को तोड़ने वालों के खिलाफ थी और पाकिस्तान तोड़ने वालों के खिलाफ, अलग करें पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, अगर आप सिंध तोड़ने वालों की बात कर रहे हैं तो सिंधु देश वाले भी सिंध तोड़ने की और पाकिस्तान ही तोड़ देने की अलग हो जाने की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं वो गलत करते हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात जो भी करते हैं गलत करते हैं, आप डबल स्टैंडर्ड, आप ये बात कर रहे हैं कि जी महाजे सुबह तहरीक अगर है मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रही, मेरा उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान तोड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ रैली निकालेंगे, लेकिन सिंधु देश वाले अगर ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है तो ये दोनों आपकी सारी बातें ये गलत है, मैंने ऐसा कहा है, अब आपकी समझ का मैं कह रहा हूँ कि ये रैली आप कह रही है कि भाई सियासत किसने चलाई गोली, तो जाहिर है कि ये जिसके खिलाफ थी या उन्होंने चलाई या इस गोली चलने के बाद जिसको फायदा पहुंचता है उन्होंने चलाई, हमने कभी पाकिस्तान तोड़ने वालों का साथ नहीं दिया। ये अलग बात है कि जब कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ जाती है तो हम कहते थे हिंदुस्तान से दोस्ती करो, आप बोलते थे ये पाकिस्तान तोड़ रहे हैं, आज उनके मिनते कर रहे हैं, कभी क्रिकेट मैच हार रहे हैं, कभी कुश्तियां हार रहे हैं, कभी जो है ना वो गाने बजाने वालों को भेज रहे हैं, तो ये बात हम पहले करते थे। अभी ये बात खुल के सामने आ गई कि रैली जो है वो जो महाजर सुबह तहरीक के हवाले से जो रैली निकाली जाती है, जो सिंध भर में बिलबोर्ड्स लगा दिए गए, वॉल चौकिंग होगी कि ये एक दिन में रातों रात में नहीं हुआ, आपको भी पता है, तो ये मुझे बताएं कि अभी खुल के बाद सामने आ गए कि ये उनके खिलाफ रैली थी, जब ये इनके खिलाफ रैली होती है तो फायरिंग होती है, आप लोग क्या उनसे कभी पूछते हैं आपको पता है ये कौन अनासर है, कभी कोई बात होती है आप लोगों की इनसे, कुछ पता है आपको इस हवाले से? सर पहली बात नादिया साहब मैं तो मुबारक दूंगा आपको, आपको आज के इस प्रोग्राम के बाद बड़ी शाबाशी मिलेगी, कुछ चीजों के तफसीली जवाब देना चाहूंगा। शाबाशी मिलेगी वो जिससे भी मिलेगी किसी ना किसी जरूर मिलेगी, लेकिन मैं आपको तफसीली जवाब देना बता देना, अच्छा मुझे नहीं पता लेकिन ठीक है, एक ब्रेक ले लेंगे, शायद आवाम से मिलेगी, एक ब्रेक ले लेंगे, मैं नहीं चाह रही कि जिसकी शाबाशी का आप मुझे बताएंगे ना, जरूर मिलेगी, ठीक है मुझे मुख्तसर साहब ब्रेक लेने दे, बात अपनी वही है शजील मेमन साहब की, मुझे किससे शाबाशी मिलेगी, मैं नहीं चाहती कि आपकी बात को मैं बीच में काट दूं और फिर एक ब्रेक की तरफ जाऊं, मुकम्मल आपका मौकफ हम जानेंगे, मुख्तसर साहब ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो, है कोई जवाब, ब्रेक पे जाने से कबल शर्जी मेमन साहब से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम के बाद शाबाशी मिलेगी, शायद उनको लग रहा है कि पता नहीं मैंने किसी का एजेंडा फुलफिल कर दिया या मैंने किसी के कहने पे शो कर दिया या किसी के फायदे की बात कर दी, शर्जी मेमन साहब ऐसे ही लग रहा है आपको? नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, आप खामा खाई जो है वो चीजों को सीरियस लेके जाती है, मैंने तो सरासर बात कर रहे थे, आपका प्रोग्राम का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं मैंने कहा, नहीं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने कहा आपके प्रोग्राम का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है तो इसलिए शायद आपको शाबाशी मिलेगी, पब्लिक की तरफ से अप्रिसिएशन होगी, ये तो सियासतदानों का काम है, चलिए आगे। मैं आपको
जी माशाल्लाह जी। अच्छा वैसे एक मैं आपको बात कहूं कि आज 10 घरों में लाश गए हैं, ठीक है, कितने अफसोस की बात है कि जब हमें उन कातिलों का सुराग लगाने के लिए हुकूमत को और मीडिया को और दूसरों को बात करनी चाहिए, वहां पे आप बात करेंगे क्या उस रैली ने इजाजत ली थी नहीं ली थी, अगर कोई रैली इजाजत ना ले तो उन पे गोलियां बरसाना जो है वो खत्म हो गई ना, कानूनी और शरण जो है वो जायज है। अब आप लोगों का हुकूमत में नहीं, बात खत्म नहीं हुई, मतलब जिस तरह आप उन चीजों को हमें मेरी बात सुन देखें, ये इंतहाई अफसोस की बात है। प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें, प्लीज आपकी हुकूमत में मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज। जी कंटिन्यू, बिल्कुल बिल्कुल हमें एहसास है, हमें एहसास है, आप प्लीज मेरी बात सुने, मुझे एहसास बिल्कुल है और हमें यही फील हो रहा है कराची में जिस दिन भी, मैं सिर्फ आज की रैली की बात नहीं कर रहा, कराची में जिस दिन भी जिस घर में भी जनाजा लाश जाती है तो जो एक इंसान है जिसके दिल जिसके सीने में दिल है उसको उसको दुख भी होता है। और मैं आप बताऊंगी ये जो आगें जो यहाँ पे भड़काई जा रही हैं, आज कोई खुश हो जाए, कोई पेट्रोनाइज कर ले, कोई किसी का स्क्रिप्ट ले ले, लेकिन खुदा ना खास्ता ये इतनी गंदी आग है कल को मेरे आपके या किसी और के घर पे भी आ सकती है, तब हमें एहसास होगा। देखिए बात सुने, हमें सबसे पहले मैंने आप जिस तरह कहा कि हमें इंसान और मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, ये तीन चीजें हमारे दिल में होनी चाहिए और हमें हर चीज का एहसास होना चाहिए कि कहां से हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है एक बात, और अगर हम उन अनासर को छुपाने की अगर हम उन अनासर को छुपाने की या उनको कवर करने की या उनको फेवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, क्योंकि हमें सबको खौफ खुदा होना चाहिए, मर के हमें अल्लाह को जवाब देना है, किसी और को जवाब नहीं देना है। आपने कहा कि इंसान मुसलमान और फिर पाकिस्तान, ठीक है, ये तीन चीजें। अब ये जो बात की जा रही है कि जो महाजर सुबह तहरीक थी इसके खिलाफ ये रैली निकली है, तो अगर ये महाजर सुबह तहरीक जो भी चलाने वाले हैं पसे पर्दा हैं या अभी सामने नहीं आ रहे हैं या आपको शायद पता हो या आप बताना नहीं चाह रहे, तो क्या ये इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है? वेरी गुड, मैं आपको बताऊं, ये अजीब बात, बात सुने, पूछ रहे हो ना, जो चोरी करता है वो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, जो कतल करता है वो इंसान नहीं, अगर ये नादिया साहब मुझे जवाब दे रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा आइन के खिलाफ, मेरी बात सुने जी, ठीक है, मेरी बात सुने नादिया साहबा, सुनाइए, मैं आपको कहता हूँ की जो मुहाजिर सूबे की तहरीक चला रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन कुछ भटके हुए लोग हैं जाके जो कि शायद किसी इशारों पे भटक गए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उन पे किसी ने खुदा ना खास्ता गोली नहीं बरसाई, लेकिन हाँ, आज अगर कोई अगर आप उसको आप उसका कंपैरिजन ये कर रही हैं कि मुहाजिर सूबे की अगर अगर उसकी तहरीक पे जो है वो कुछ नहीं हुआ और अगर उनको बचाने के लिए किसी ने बात की उसके कोई हक में किसी ने तो रैली निकाली उस पे गोलियां मारना जायज है, तो मेरे ख्याल आप खुद अनजस्टिस करिए अपने प्रोफेशन के साथ, मेमन साहब आप अपने प्रोफेशन के साथ अनजस्टिस करिए कि नहीं, बेनिफिशरीज देखने पर होते हैं, तो अगर महाजर सूबे खिलाफ थी तो यकीनन इसका नुकसान महाजर सूबे तहरीक को हो रहा था, वो इसके प्रेशर आ रहे थे, तो यकीनन उनके कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर हालात को खराब करने के जिम्मेदार यही होंगे। फिर देखिए मैं ये भी नहीं कह सकता किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, नहीं ये भी गलत बात है कि जब तक आपके पास सबूत शवायद ना हो आप बोलते हैं कि फलाने की इन्वॉल्वमेंट है या फलाने की नहीं, बात सुने, ठीक है शर्जी मेमन साहब, एक सेकंड में वापस आते हैं। एक शख्स आज मुझे एक शख्स याद आ रहा है, शर्जील मेमन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान की खातिर सच बोल दे। मुझे आज एक शख्स याद आ रहा है जिसका नाम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था, वो सच बोलता बोलता पता नहीं कौन से कौन खुदरे में चला गया, और सच उसका ये था कि कौन लोग, और मेंशन किया उसने कि कौन से लोग हैं जो इस कराची शहर का अमन तबाह कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ये है कि क्यों नहीं, माजरत के साथ एक सेकंड, क्योंकि मुझे बार बार बताया जा रहा है कि महाजर सुबह तहरीक के कोई सीनियर नायब सदर है कासिम जई साहब, अस्सलाम वालेकुम कासिम जई साहब। वालेकुम अस्सलाम कासिम जई साहब, मेरा पहला ये सवाल ये है आपसे कि पहले तो मुझे ये बताएं कि कराची की गलियों में खून जो बह रहा था वो कुछ कम था जो आप लोगों ने इसमें इतना इजाफा करने जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर आप लोग सामने नहीं आते, छुप के आप लोग वार कर रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे कि आज जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आप लोग हैं? नादिया देखिए, गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम बाकायदा रोडों पे निकल के इस तहरीक के लिए काम कर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप लोग कब निकल रहे हैं? आप लोगों की तो हमें शक्लें नहीं पता, आप लोग पता नहीं किसी को निकाल देते हैं सड़कों पे, ये आपको वो शक्लें भी नजर आ जाएंगी। अभी तक क्यों नहीं आ रही? बहुत जल्द हम जो है ना आपको सामने आके जो है ना बताएंगे अपनी तहरीक के हवाले से। देखिए बात यह है कि यहाँ जितने साहिबान बैठे हुए हैं इन सारे साहिबान को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जरा माजी में जाइए और पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालिए। हमारे बशीर जान साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसके दुश्मन हैं,
तो पहले ये अपने उन लीडरों के खिलाफ बात करें। नहीं, पहले तो आप आसिम साहब, पहले तो आप अपनी बात करें। अगर आप लोग इतने सच्चे हैं, इतने सीधे हैं, अच्छे कॉज के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ है, तो ये छुपके क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, छुपके कुछ नहीं कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं सबके सामने है। और अगर सबके सामने होता तो आज आप मेरे प्रोग्राम में बैठे होते। जबान बोलने वाले के लिए एक सूबा मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जो लसानी बुनियादों पे नहीं है? आपको सूबह सरहद का नाम पसंद नहीं था, इसलिए आपने उसका खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा, क्योंकि वो पख्तूनों का सूबा है। उसके बाद हजारेवाल ने उस पर आवाज उठाई, क्योंकि वो हजारी जबान बोलते थे। फिर जनाब पंजाब पंजाबी जबान बोलने वाले का सूबा है। उधर सराइकियों को जब ये पता चला कि ये पंजाबी जबान बोलने वालों का सूबा है, तो उन्होंने अपने सूबे की आवाज उठाई। देखिए, बात ये नहीं हो रही। इसी तरह जब अच्छा रहने वाली हर जबान बोलने वाले को ये हक हासिल है कि वो अपना एक सूबे का। अच्छा, आज कराची अच्छा ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप लोगों की रैली निकलती है नादिया, तो इसमें फायरिंग नहीं होती? इसमें जब आपके खिलाफ रैली निकलती है तो फायरिंग होती है? जी शेख रोहिल साहब, ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि जितने सूबों की आवाज आ रही है, अगर 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 खैबर पख्तूनख्वा से सूबे की आवाज आ रही है, तो उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, अगर जनूबी पंजाब से आवाज आती है, नहीं नहीं पहले मेरी बात नहीं, नहीं, आपको नहीं, मैं कासिम जही साहब को थैंक यू वेरी मच कह दूं, क्योंकि उनसे मैं डिटेल में जब भी बात करूंगी जब आप अपनी शक्ल दिखाएंगे। मैं कराची के लोगों से मैं ये बात कर्ज करना चाहता हूँ कि ये क्या मंतक है भाई? कराची तो सूबाई दारुल हुकूमत है और वहां पर तो इस किस्म की कोई चीज आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर अगर मैं कहता हूँ, अगर सिंध के कहीं दूर अफ्ता इलाके से ये बात उठे कि जनाब हमारे मसाइल बहुत हैं, हमें अलहदा सूबा चाहिए, तो फिर मंतक समझ आती है। आप लोग फेवर कर लेंगे? अच्छा, एक वाला क्यों मैं फेवर करूंगा? मैं एक बात जरा भाई साहब वाजे कर देना चाहता हूँ के पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ कराची आए हैं या पाकिस्तान में महाजर आए हैं, एक मिनट, वो तो सब हमारे भाई हैं, जान सब हम उनका कदर करते हैं। एक सेकंड में तहरीक बता दूं। जी जी जी, एक मैं तारीख बता दूं कि पंजाब पंजाबी बोलने वाला का नहीं है। पंजाब किसी जमाने में फ्रंटियर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम है, वहां तक था। ये पंजाब आज को नया नहीं है। जितने लोगों ने घर बार छोड़े यहाँ पर आए, वो हमारे भाई हैं, हमने उन्हें इज्जत दी है। मैं आपको ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू बोलने वाला वहां अभी पख्तून है, और हमने एक को वजीरा गवर्नर भी बनाया था। सिंध में जो आबाद है वो सिंधी है, पंजाब में जो आबाद है हम भी सिंधी है, सिंध में आबाद है। लेकिन महाजरों के लिए सूबा नहीं होता है, महाजरों के लिए कैंप होता है। अगर कोई अपने आप को महाजर कहता है तो उसको कैंप में जाना पड़ेगा। या तो वो अगर कोई सिंधी है, या तो वो कैंप में जाए या फिर जहां से आया था, जहां से वहां है, ठीक है, महाजर खत्म, महाजर नहीं, वो हमारे सिंधी भाई है, वो हमारे भाई है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई है। अगर वो अब भी अपने आप को महाजर कहता है तो ये वापस चले जाए या कैंप में? शर्जील मेमन साहब, आप कैंप बनवाइए कि जो यहाँ इस मुल्क के महाजर है वो उन कैंप में जाए। आप नहीं, कतन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जो भी हिजरत करके आए हैं वो हमारे भाई हैं, यहाँ रहेंगे, हमारे जैसे उनको हुकूक हासिल हैं, तमाम चीज़ें उनको हम जैसी हैं, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसी शक्लें हैं उनकी, कोई उनमें रिश्तेदारियां, इधर जितने भी रहते हैं उन लोगों के आपस में रिश्तेदारियां हैं। इधर खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि यहाँ के यहाँ प्लीज मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात कंप्लीट करने दें। मैं कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके आपस में मोहब्बत है, गलियों में पड़ोस में कहीं नफरत नहीं, नफरत सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं जो कि डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी और कोई सियासी हैसियत, कोई सियासी एजेंडा बचा नहीं है, तो इस तरह के एजेंडा पैदा करके वो नफरत पैदा करने की नाकाम कोशिश करें, क्योंकि नफरत नहीं हो सकती। हम लोग इतना एक दूसरे में मर्ज हो चुके, एक दूसरे के कल्चर में, एक दूसरे के साथ ये चीज नामुमकिन। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, दिल पे हाथ रखिए, मैं भी कहती हूँ बता दें कि आप नहीं जानते कि ये माजे सूबा तहरीक के पीछे कौन है। आखिरी कमेंट, मेरी बात सुने पहले, उससे पहले मैं एक और बात का जवाब दूंगा। आपने जो यारी की बात की, टाइम नहीं है शर्जील मेमन साहब, बिल्कुल टाइम नहीं, बार बार क्लोजिंग का कहा जा रहा है। नहीं, आपको मेरा मौका सुनना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात की, मैं अपनी बात कह नहीं सका। आप जानते हैं कि नहीं जानते माजे सूबा तहरीक के पीछे कौन है? नादी, आप क्या चाहती हैं? पहले शर्जील मेमन की वजारत गई, आप चाहती हैं कि इनकी वो एमपीएशिप भी जाती रहे? क्या सच बुलवाना चाहती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब चीजें क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हैं? अल्लाह ताला के हाथ में, मुझे शेख साहब इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। शेख साहब, मैं अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन मैं इस सिंध के अमन को
मोहब्बत की तरह रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि सिंध के अमन को मैं बातें करके मजे ठेस पहुंचाऊं। कभी भी नहीं चाहा सिंध के, सिंध की मोहब्बत को अगर आपने कायम करना है, सिंध को आपने कायम उदायम रखना है, सिंध को आपने जोड़ के रखना है, तो फिर आपको अपने इख्तदार की ख्वाहिश से उठ के देखना होगा। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया इख्तदार की ख्वाहिश से उठ के देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर जान साहब, और उसके साथ साथ मैं रानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, अख्तर गुचानी साहब का एडिशनल आईजी है। लेकिन मुख्तसर सी बात ये कि जो मरता है इन रैलियों में, चाहे वो सियासी मफादात के लिए होते हैं, लेकिन वो कोई सियासतदान नहीं होता, वो आम आदमी होता है, वो मेरे जैसा और आप जैसा ही होता है। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।